राजधानी शिमला में पिछले 3-4 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने अपना खूब कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। वहीं शिमला के कसुमटी में राहोम में एक भवन धराशाही हो गया। इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस बार प्रदेश में मॉनसून से पहले ही जमकर बारिश हुई। ये बारिश किसानों की कुछ फसलों के लिए वरदान साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। शिमला में कई जगह बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा और लोग बेघर हो गए, जिन्हें जिला प्रशासन ने सहारा दिया। वहीं शिमला के तहत कुसुमटी के एरा होम में भी एक मकान बारिश की भेंट चढ़ा। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे ये मकान गिरा और सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ये मकान किसी कारोबारी का बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के समय भवन में कोई मौजूद नहीं था। भवन ढह जाने से साथ लगते मकान में मलबा जा गिरा है और इस वजह से साथ लगते मकान को भी आंशिक नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने कहा कि सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि भवन कैसे गिरा इसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्डिंग थी और अप्रोक्सीमेटली 10:30 बजे फोन आया है कि यहाँ से कि बिल्डिंग टिल्ट हो गई है, तो तहसीलदार को इमिडिएटली रश करवाया, पर जब तक वो पहुंचा तब तक बिल्डिंग गिर चुकी थी। तो अभी तो यही है फिलहाल कि डेबरी को कैसे रिमूव करना है, यही हमारी ड्यूटी है। बाकी तो अभी सेटल ही हो रहा है सारा मटेरियल यहाँ नीचे। इसमें कोई जानी नुकसान या किसी और? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खाली थी बिल्डिंग और ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं है यहाँ पे किसी का। मैम, यहाँ पर अनप्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो है कारण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगी बाकी लोगों से भी, क्योंकि यहाँ पर हम कई बिल्डिंग्स में देखते हैं जिस तरह से अनप्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई होती है और यहाँ पर किसी की जान पर भी बात आ सकती थी। ये तो अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ से नक्शे अप्रूव होते हैं, आर्किटेक्ट प्लानर ही इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अभी फ़िलहाल हमारा ये है कि इसको डेबरी को कैसे रिमूव करना है, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि इसको हम कैसे रिमूव करें, क्योंकि नीचे भी थ्रेट है बिल्डिंग को। नीचे भी अगर इसको अनसाइंटिफिक वे से अगर रिमूव करते हैं तो नीचे थ्रेट हो सकता है, तो वो हमारी ड्यूटी है कि इसको प्रॉपरली हम करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो वो है पहले तो ड्यूटी, बाकी फैक्ट फाइंडिंग और ये चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी, और जिन जिनकी वजह से ये चीज़ हुई है उनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई प्रशासन जरूर लेगा। वहीं स्थानीय पार्षद विदुषी ने कहा कि भवन का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ था, जिसके चलते ये भवन ढह गया। उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त भवन में कोई भी मौजूद नहीं था। ये मौसम की मार से ये वाली बिल्डिंग नहीं गिरी है, ये ऑलरेडी अनप्रॉपर कंस्ट्रक्शन थी, जिसमें के बारे में कंप्लेंट आसपास वाले जो लोग थे पड़ोसी इनके, उन्होंने इनको अवेयर किया था। ठीक है, तो सुबह आज 11 बजे मुझे कॉल आया था कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग गिर गई, लेकिन इस बिल्डिंग को खतरा इसके बारे में मुझे कभी फ़ोन नहीं आया आसपास पड़ोसियों का या किसी का। और साथ में जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन देख के गए हैं तो रीज़न बरसात का पानी नहीं है इसमें। क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि प्रॉपर पिलर नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है हुई हुई। इवन डॉक्टर प्रेम शर्मा जी का अपना इसमें फ्लैट था, वो भी अब डिमोलिश हो चुका है, कुछ नहीं बचा उनका, उनका नुकसान हुआ, पर शुक्र है भगवान का कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी किसी तरह की जांच की जाएगी, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि पिलर नहीं है, कि किस तरह से अभी करेंगे? सर, एडमिनिस्ट्रेशन देखे गए हैं, जो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो ये था कि डंगे में इसको फाउंडेशन थी वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और भी इस तरह से प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।